बहू भगवती का स्थान रखा घर में जी। सकती है खेलती साधारण रूप में आती है खेलती तो है ना बाबू। हाँ जी। तो फिर पूछा तो तू भी देती है बाबू। हाँ माता। गुरु किसका बनाया बाबू? माता दूर है, दूरी है, दूरी रहते हैं। दूर रहते हैं जी। कैसे दूर रहती है? बठिंडा के पास रहते हैं। बुरी तरह दूर रहते हैं जी। तो बाबू तू गुरु से रास्ता नहीं लिया तूने? माता लिया तो बाद में बहुत कष्टियाँ आई। आएंगे क्योंकि बाबू मेरी बात सुन जी। ज्ञान की कमी जिसका पूछा दे रही है उसका कष्ट तेरे घर घूम रहा है। समझिए तूने तो किसी का उपाय बता दिया। हाँ जी। ठीक है बाबू जी, लेकिन उसका जो संकट है वो तेरे आसे पास से घूमता है। तेरे काम में रुकावट आती है बच्चे तेरे ना घर में बच्चों की आ रही है ज्यादा। ठीक है बाबू। और एक बात बाबू, कोई सेवा नहीं थी शक्ति भोलेनाथ की वजह से तेरे जो सिर जो तेरे काम रुक रहे। जब तू किसी की कोई बात बता देती है ना ये कर ले तो उसका तो हो जाएगा काम। तेरी अड़चन आती है बस माता मेरी बेटी की शादी हो जाए। मैं बहुत तो यही तो अड़चन है बच्चे, तभी तो मैंने क्यों पकड़ी ये बात बाबू। मुझे उपाय बताओ माँ, जो सेवा है करने को तैयार। बाबू वो बात छोड़, लेकिन मैं जो तुझे कह रही हूँ उस पर ध्यान दे। ठीक है जी। ज्ञान की कमी है और इसकी वजह से तेरे घर में जो दूसरों को तू बताती हो पाए उसके संकट से तेरे घर में अड़चन आ रही है। तेरी भक्ति तो चल रही है ठीक है ना, तेरी सेवा भी चल रही है, शक्ति भी साथ है। ऐसा नहीं कि शक्ति नहीं है, शक्ति साथ है तेरे, लेकिन अड़चन आ रही है तेरी। ठीक है, और एक चौक चराए वाले की देनी पड़ेगी बाबू से, पूरे घर से जाएगी। तेरे काम रुक रहे हैं बाबू। एक तो बाबू मेरी बात सुन जी माता, पहले तो मैं भोलेनाथ का तुझे बता दूँ। हाँ माता। जो भोलेनाथ का हवन देगी ना बाबू जी माता, बाबू ठीक है, और कमल गट्टे का जो बीज मिलाएगी जी वो कम से कम 51 बीज होने चाहिए। ठीक है माता। ठीक है बाबू, क्योंकि शक्ति तब चलती है आगे बाबू, क्योंकि उसका भी भोग होगा। ठीक है माता। ठीक है ठीक है। बेटी का नाम बोल। अर्पणा। अर्पणा ना, तो बाबू इसीलिए तो मैं बता रही हूँ ये रुकावट, तो मैंने क्यों कहा रुकावट आ रही है। और मेरी इच्छा पूरी कर दे माता, मैं भी यहाँ आपके माँ के चरणों में आऊंगी। जो मेरी इच्छा मैं अपनी इच्छा भी पूरी करूंगी, महारानी मेरी भी इच्छा पूरी कर दे। अच्छा बाबू एक बात बता। हाँ माता। बेटी की तेरे पेट पेट की समस्या हुई थी कभी? ना माता, BSc पास है, डी फार्मा कोर्स के अलावा कोई नहीं है। बहुत चुप रहती है, ज्यादा बोलती नहीं है। मेरी बात सुन बाबू, मैं ये वजह से पूछ रही हूँ क्योंकि तेरी मन में संकट आ रहा है। पहले बता दो बात पहले की, जैसे किसी को तूने कुछ बताया ना बाबू, ठीक है, तो उसकी चीज खड़ी है। अच्छा माता, उपाय बताओ। क्योंकि वो चीज मुक्त नहीं हुई। अच्छा, ठीक है, तो ये तू याद भी कर रही है। मैं सोचिए आज की बात बता रही हूँ, तेरी बेटी को पेट की समस्या शुरू हुई थी तब। अब ये तो ध्यान कर रही है, घर जाके 100% तुझे याद आएगा, बेटे ने बता दिया। ठीक है बाबू, अगर झूठ बोल रही हो तू अच्छे से ध्यान कर रही हो। मुझे पता है झूठ नहीं बोल रही है ना बाबू। हाँ शक्ति है। तो बाबू तेरी माई क्या झूठ बोलेगी? ठीक है, तो जान ही जान हूँ मैं। ठीक है, तो बाबू वो चीज जब तूने बताई ना वो तेरे घर से मुक्त नहीं हुई। अब कैसे हो? तो वो तेरी बेटी के पल्ले आ गई। ठीक है, ये उसकी बात कर रही जिसकी अड़चन लगती है बाबू। ठीक है, इसीलिए अड़चन लगी भी हुई है बाबू। ठीक है, ठीक है। अब बाबू ऐसी बात नहीं है, गणेश गणराज भी सपने में दिखता था। माता नागदास तो मेरे सपने में इतने थे, रात में डर गई। वो तो बाबू होगा क्योंकि और बाबू दूसरी बात सुन, जब गण चलते हैं ना बाबू जी, और एक गुरु से आज्ञा लेके कोई भी साधना कर, ठीक है, जब गुरु से आज्ञा लेके साधना कोई भी तू उठाएगी, क्योंकि हर साधना में बाबू गण चल जाते हैं, अच्छे भी चलते हैं बुरे भी चलते हैं। और जब गुरु का सानिध्य में कोई चीज नहीं करेगी ना बाबू, जैसे तेरा गुरु है उससे चाहे हाँ भी बरवा लिया कर, गुरु जी मैं कर लूँ चाहे जितना भी दूर है, इससे उसका कवच चलेगा।
उस जो साधना तू करेगी, चाहे शिव पुराण होगी या कोई भी चीज है, अगर तू बिना गुरु के उससे करेगी ना बाबू, क्योंकि शक्तियों के साथ भी गण चलते हैं और भोलेनाथ के साथ क्या चलता है तुझे पता नहीं है क्या? ठीक है, अच्छी चीज है और बुरी चीज भी, तो फिर क्या था वो बुरी चीज का पहरा भी हो जाता है। गुरु क्या करता है, छनने का काम करता है कि तुझ तक वो छान है, जो भी तुझे देगा ना गंदगी ऊपर रहेगी, अच्छी चीज तुझे देगा, यानी बुरी चीजों को रोक लेगा, यह गुरु का काम। ठीक है बाबू, तो अब ध्यान कर लियो, इसलिए मैंने कहा कि बेसन में ले लियो थोड़ा सा कमल गट्टे 51। ठीक है बाबू, ठीक है, समझ रही, तीन बार याद कर ले, हुआ है ना ऐसा, इसलिए हुआ, ये संकट का संकेत है। ठीक है, क्योंकि तूने तो बता दिया लेकिन वो चीज घूम रही है, तुझे नहीं पता चल रही, समझ रही है, वो उसको काटना है।